दहेज देना और लेना भले ही दोनों जुर्म हो, मगर ये जुर्म आज भी डंके की चोट पर लगभग हर घर में जारी है। कोई खुलकर तो कोई हिंट देकर लड़की वालों से अपनी डिमांड करता है, चाहे फिर लड़की वाले गरीब हों या अमीर हों, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले महेंद्रगढ़ में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर द्वारा दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगने का मामला सामने आया था, जिसमें बाद पुलिस कार्रवाई तक पहुंच चुकी है। और अब ताजा मामला जींद से सामने आया, जहां एक स्टेशन मास्टर पति ने अपनी ससुराल वालों से क्रेटा कार और बढ़िया फर्नीचर देने की मांग की। जैसे जैसे दिन करीब आते गए, आरोपी अपने असली रंग में आते गए और शादी के बाद से ही बेटी को प्रताड़ित करने लगे, जिसके बाद थक हार कर पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी। ये एक नया नाम की लड़की है, नया डॉक्टर ऑफ राज सिंह अर्बन स्टेट जींद की लड़की है। इसने एक महिला थाना में दरखास्त दी थी हमारे पास, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। इसने बताया कि 24/10/2020 को मेरी शादी अमनदीप नाम के लड़के से हुई थी, जो यहीं जींद का रहने वाला है, स्टेशन मास्टर लगा हुआ है और लड़की टीचर लगी हुई है। लड़की ने बतला कि भी जो फर्नीचर वगैरह हमने दिया था इनको पसंद नहीं था। इनने कहा कि भी हमारे को ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहीं चाहिए थी, करेटा गाड़ी चाहिए थी, उस पर वो फर्नीचर वगैरह दिया था, भी हमारे इन लकड़ों की जरूरत नहीं है, बढ़िया फर्नीचर की जरूरत है हमें। इसलिए इनकी आपस में अनबन होगी, जो इन्हें दरखास्त दे दी, मुकदमा दर्ज कर दिया 33,000। तो आपने जानकारी ली होगी जहाँ थाना में? सामने ही गाड़ी पर ज्यादा हुआ रहा है। अभी हमारा लड़का स्टेशन मास्टर लगा हुआ है, जिसमें हमें ये गाड़ी पसंद नहीं थी, हमें तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चाहिए थी। इस बार तो मैं को होटल को लेकर भी जिस तरह होटल होटल का इसने कि एक भी हमारे ये होटल हमने तो श्याम बाबा वाला जो होटल था श्री श्याम वाला, उस होटल में शादी करनी थी, तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी है, ये होटल हमारे को पसंद नहीं था। दरअसल 24 अक्टूबर 2020 को जींद के अर्बन स्टेट में रहने वाली नेहा की शादी अमनदीप नाम के युवक के साथ हुई थी, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर है। नेहा के पिता ने हैसियत से ज्यादा दान दहेज दिया, डिजायर कार तक दी, मगर लोभियों को कुछ भी पसंद नहीं आया। यहां तक कि जिस होटल में शादी की थी वो होटल भी दहेज के लालची ससुराल वालों को अपनी शान के आगे फीका लगा। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से आरोपी नेहा को परेशान करने लगे, जिसे ऐसी दवाइयां दी गईं जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। बतलाया कि भी जो हमारा सगाई से शादी तक 8 महीने का गैप रहा है, उस टाइम में हमारा अच्छा व्यवहार रखा, बीच में जब जब शादी नजदीक लगी इन्होंने फिर हमारे साथ दूसरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। फिर भी हम शर्म के मारे ये थी कि लड़की भी हमारी शादी हो जाएगी, कोई इसी बात को नहीं, थोड़ा बहुत भी ठीक हो जाएगा। तो मैम जिस तरह सुनी मैं शादी कारपेट ने शुरू हुई तो व्यवहार चेंज होना शुरू हो गया। हाँ जी, क्या था मैम? जब ये कार्ड बटने शुरू हुए इनका आपस में इनका थोड़ा थोड़ा व्यवहार चेंज हो गया, जिस गाड़ी को लेकर ज्यादा वारी थी कि हमारे को तो ये गाड़ी चाहिए थी। तो दहेज का मामला है? दहेज का मामला है, मुकदमा दर्ज कर दिया, 33 जारी है, जैसी 33 होगी वैसी कार्रवाई। पीड़ित नेहा एक संस्था के स्कूल में साइंस टीचर है, लेकिन दहेज के लोभियों के चक्कर में फंसकर महज कठपुतली बनकर रह गई है। बहरहाल पुलिस ने नेहा की शिकायत पर पति अमनदीप, ससुर सतबीर, सास कमलेश, ननद पूनम, ललिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, नशीली दवाई देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दहेज मांगने वाली इस प्रथा पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।